टाइटेनो बोआ, जिसे सांपों की दुनिया का राजा कहा जाता है, जो आज से 1 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर राज करता था, उस वक्त हमारी पृथ्वी पर इस सांप से अधिक ताकतवर कोई भी जीव मौजूद नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ गॉडज़िला, जिसे डायनासोर की दुनिया का किंग कहा जाता है, जिसके सामने दुनिया की हर ताकत घुटने टेक देती है। और आपने भी गॉडज़िला की ताकत को फिल्मों में जरूर देखा होगा। तो क्या हो अगर सांपों के किंग टाइटेनो बोआ का सामना डायनासोर की दुनिया का किंग गॉडज़िला से हो जाए? आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार अगर टाइटेनो बोआ और गॉडज़िला एक दूसरे पर हमला कर दें? एक तरफ टाइटेनो बोआ का खतरनाक कुंडली, जिसके पकड़ में आने के बाद बड़े से बड़ा डायनासोर भी दम तोड़ देता है, और दूसरी तरफ गॉडज़िला के मुंह से निकलने वाला एटॉमिक ब्रेक, जिसके जद में आने वाला हर एक चीज जलकर खाक हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि टाइटेनो बोआ और गॉडज़िला के बीच की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों भरी ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। विशालकाय शरीर। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही खतरनाक जानवरों के शरीर की। अब अगर इन दोनों ही विशालकाय और खतरनाक जानवरों के शरीर की बात करें तो इन दोनों का कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ टाइटेनो बोआ का शरीर सिर से लेकर पूंछ तक बिल्कुल एक जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ विशालकाय गॉडज़िला का शरीर मजबूत मसल्स, भयंकर पीठ जिस पर पत्थर से भी मजबूत नुकीले उभार बने होते हैं, और लंबा चौड़ा पूंछ से मिलकर बना होता है। अगर लंबाई की बात करें तो एक तरफ जहां टाइटेनो बोआ की लंबाई 50 फीट तक लंबी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ गॉडज़िला की लंबाई 400 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। एक तरफ जहाँ टाइटेनो बोआ का वजन 2 टन का होता है, तो वहीं दूसरी तरफ विशालकाय गॉडज़िला का शरीर 14,000 से 16,000 टन का होता है। इससे एक बात साफ है कि शरीर और आकार के मामले में विशालकाय टाइटेनो बोआ गॉडज़िला के सामने कहीं भी नहीं टिकता। लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटेनो बोआ अपने वक्त में बड़े बड़े डायनासोर को भी अपनी कुंडली में जकड़कर मौत की नींद सुला देता था। रहने की जगह। इन दोनों ही खतरनाक जानवरों के रहने की जगह के बारे में बात करें तो एक तरफ टाइटेनो बोआ जहां पृथ्वी के गर्म इलाकों में रहना पसंद करता था, तो वहीं दूसरी तरफ विशालकाय गॉडज़िला पूरी पृथ्वी पर कहीं भी रहने की ताकत रखता था। गॉडज़िला की बात करें तो इसे समुद्र का दानव कहा जाता है, जो अपनी जिंदगी का अधिकतर समय समुद्र के भीतर ही बिताता था। लेकिन इसके बावजूद भी गॉडज़िला का आतंक समुद्र के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर भी कायम था। गॉडज़िला के अंदर इतनी ताकत थी कि अपने दुश्मनों को समुद्र के बाहर जमीन पर भी मात देने की क्षमता रखता था। बिल्कुल इसी तरह टाइटेनो बोआ भी समुद्र के साथ साथ पृथ्वी की धरती पर भी रह सकता था। समुद्री जीवों के साथ साथ धरती पर रहने वाले जीव भी इस खतरनाक सांप से डरकर इधर उधर भागते रहते थे। ताकत। पृथ्वी पर रहने वाले इन दोनों खतरनाक दानवों की ताकत की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटेनो बोआ अपनी कुंडली में जकड़कर पृथ्वी के सबसे बड़े डायनासोर तक को मौत की नींद सुला देने की ताकत रखता था। दम घोटकर मारने के बाद टाइटेनो बोआ अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता था। टाइटेनो बोआ अपने शिकार को अपनी कुंडली में इतनी तेज दबाव के साथ पकड़ता था कि शिकार के शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती थी। इतना ही नहीं, टाइटेनो बोआ अपने वक्त के दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर टी रैक्स को भी अपनी कुंडली में जकड़कर कुछ ही मिनटों में मार देता था। और वहीं दूसरी तरफ गॉडज़िला की सबसे बड़ी ताकत उसका पत्थरों से भी मजबूत विशालकाय शरीर था। इतना विशालकाय शरीर होने के साथ साथ गॉडज़िला अपने मुंह में एटॉमिक पावर वाली खतरनाक आग भी निकाल सकता था, जिसकी चपेट में आने वाला हर जीव जलकर खाक हो जाता था। आपने भी गॉडज़िला के मुंह से निकलने वाले खतरनाक आग को गॉडज़िला फिल्मों में शुरू में देखा होगा। सुरक्षा कवच। एक तरफ गॉडज़िला के पीठ के ऊपर सुरक्षा कवच के तौर पर मौजूद बेहद ही मजबूत नुकीला उभार होता है, जो गॉडज़िला को बाकी किसी भी जानवर के हमले से बचने में मदद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ टाइटेनो बोआ के शरीर पर सुरक्षा कवच के तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। टाइटेनो बोआ का शरीर सिर से लेकर पूंछ तक बिल्कुल एक जैसा होता है। टाइटेनो बोआ का एकमात्र ताकत उसका शक्तिशाली कुंडली ही होता है। रफ्तार। गॉडज़िला की दूसरी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो बेहद ही तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। गॉडज़िला के दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ टाइटेनो बोआ के दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की ही थी। किसकी होगी जीत?
अगर कभी टाइटेनोबोआ और विशालकाय गॉडज़िला एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो सबसे पहले टाइटेनोबोआ गॉडज़िला को अपनी कुंडली में जकड़कर गॉडज़िला का दम घोटने की कोशिश करेगा। लेकिन गॉडज़िला का पत्थर से भी अधिक मजबूत नुकीला पीठ से टाइटेनोबोआ बुरी तरह से घायल हो जाएगा। घायल होने के बावजूद टाइटेनोबोआ गॉडज़िला को अपनी कुंडली में पूरी तरह से जकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि गॉडज़िला का शरीर इतना अधिक बड़ा होगा कि उसके सामने टाइटेनोबोआ का कुंडली ही छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि विशालकाय गॉडज़िला का शरीर टाइटेनोबोआ के शरीर से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इतना होने के बाद अब गॉडज़िला टाइटेनोबोआ के ऊपर अपना पहला हमला करेगा। गॉडज़िला सबसे पहले टाइटेनोबोआ को अपने शरीर से अलग करते हुए दूर फेंक देगा और उसके बाद अपने मुंह से एटॉमिक एनर्जी वाली आग निकालते हुए टाइटेनोबोआ के ऊपर हमला कर देगा। एटॉमिक एनर्जी वाली आग से बचने के लिए टाइटेनोबोआ कुछ भी नहीं कर पाएगा और कुछ ही सेकंड में टाइटेनोबोआ की मौत हो जाएगी, क्योंकि गॉडज़िला के मुंह से निकलने वाले एटॉमिक एनर्जी वाली आग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इस तरह से इन दो दानवों के बीच की लड़ाई में गॉडज़िला इस लड़ाई का किंग होगा। गॉडज़िला महज एक कल्पना, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, भले ही इस लड़ाई का विनर गॉडज़िला हो लेकिन पृथ्वी पर मौजूद दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में नंबर एक पर हमेशा टाइटेनोबोआ ही कायम रहेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर असल में गॉडज़िला का कोई अस्तित्व है ही नहीं। गॉडज़िला एक काल्पनिक कथा का सुपर हीरो है। गॉडज़िला के विशालकाय शरीर की कल्पना सबसे पहले जापान के एक लेखक ने की थी। उसके बाद 1954 में जापान में ही गॉडज़िला पर एक फिल्म बनी। उस वक्त यह फिल्म इतने ज्यादा सुपरहिट हुई कि गॉडज़िला कैरेक्टर दुनिया भर में मशहूर हो गया। फिल्म देखने वाले लोगों को गॉडज़िला की कहानी इतनी सच लगी कि लोग इसके वजूद को सच मानने लगे। फिल्म देखने वाले लोग मानने लगे कि एक वक्त ऐसा था जब हमारी पृथ्वी पर गॉडज़िला जैसा विशालकाय जानवर रहता था। गॉडज़िला फिल्म में इस विशालकाय प्राणी को इस तरह से दिखाया गया कि ये समुद्र में रहने वाला एक विशालकाय खतरनाक और विनाशकारी जीव है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से समुद्र के इस भयानक जानवर का जन्म हो गया और न्यूक्लियर रेडिएशन के बुरे प्रभाव से ये आकार में इतना बड़ा हो गया, और इसके साथ ये प्राणी एटॉमिक रेडिएशन वाली आग भी अपने मुंह से बोल सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेखक और फिल्म मेकर ने गॉडज़िला को 3 अलग अलग जानवरों से मिलाकर बनाया था। गॉडज़िला के पीठ पर मौजूद नुकीले दांत स्टेगोसोरस डायनासोर से लिए गए। गॉडज़िला के चलने का तरीका इगुआना डॉन डायनासोरों के जैसा था और इसके आगे के छोटे पैर और पंजे पूरी तरह टी रेक्स डायनासोर के समान हैं। असल में गॉडज़िला कोई डायनासोर नहीं है बल्कि एक काल्पनिक समुद्री जीव है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो गॉडज़िला जैसा विशालकाय जीव कभी भी पृथ्वी पर चल ही नहीं सकता है। इतना विशालकाय आकार और भार की वजह से जैसे ही गॉडज़िला पृथ्वी पर कदम रखेगा, गॉडज़िला का पैर पूरी तरह से पृथ्वी में धंस जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण की वजह से गॉडज़िला का वजन कितना अधिक हो जाएगा कि गॉडज़िला की हड्डियां और उसके हड्डियों के आसपास मौजूद मांसपेशियां इसके वजन को संभाल ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, इतना अधिक भारी भरकम होने की वजह से गॉडज़िला के पैर की हड्डियां कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगी। गुरुत्वाकर्षण के अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से गॉडज़िला का इस पृथ्वी पर रह पाना संभव ही नहीं है। इतने विशालकाय जीव को जीवित रखने के लिए हर रोज 215 मिलियन कैलोरी की आवश्यकता होगी। हमारी पृथ्वी पर इतना अधिक भोजन प्राप्त करना किसी भी जीव के लिए असंभव है, इसलिए पृथ्वी पर इतने विशालकाय जीव कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इन सभी बातों से एक बात तो साफ है कि टाइटेनोबोआ और गॉडज़िला की लड़ाई प्रैक्टिकली कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ गॉडज़िला महज एक काल्पनिक जीव है तो वहीं दूसरी तरफ टाइटेनोबोआ एक ऐसा जीव है जो आज से 1 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर अकेला राज करता था। उस वक्त इस पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ से अधिक ताकतवर प्राणी कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम गॉडज़िला और टाइटेनोबोआ की लड़ाई की कल्पना करें भी तो साफ तौर पर गॉडज़िला की जीत होगी। वैसे आपकी नजर में गॉडज़िला और टाइटेनोबोआ की लड़ाई में विजेता कौन होगा, आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी वाली ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।